वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत, अज आप बड़े ही महत्वपूर्ण विषय से सांझ पाउन लगे हाँ। अज आप गल करांगे कि गुरद्वारा साहब तो वो कि चीज़ लिया के आप अपने घर में रखनी है, अपने रसोई घर के रखनी है, जिस की वजह नाल साढ़े सारे दुख कष्ट कटे जान, साड़ियाँ समस्यावां वाहिगुरु जी हार लैन, ते साड़ी औखे समय दे विच बांह फड़न, औखा समा साढ़े ते तुरंत लंघ जावे। सब तो पहली गल तां आपां इह समझ लईए कि माड़ा समा माड़ा दौर किसी ते भी आ सकता है। परमात्मा की कुदरत का हिस्सा जेकर दिन है तो उत्थे रात भी है, जेकर गर्मी आउंदी है तो सर्दी भी आउंदी है। उस तरह एक इंसान की जिंदगी दे विच जेकर अज समा चंगा चल रहा है, अज उसकी जिंदगी विच खुशहाली है, तो कल नूं बुरा समा भी आ सकता है। पर परमात्मा जी सानू ताकत बख्शते ने, सानू जीवन जांच के राही ढंग दसते ने कि बुरे समय नूं किवें नजिठना है, बुरे समय नूं घट तो घट समय दे विच किवें नजिठ के चंगे समय दे विच चंगे दौर दे विच हाजिर हो जाना है, चंगे दौर दे विच शामिल हो जाना। सो उस ही कड़ी का एक पहलू अज तुहाडे सामने पेश करन दी कोशिश कर रहे हैं। वख-वख समय से वख-वख लोगों ने वख-वख जुगतां दसियां ने कि किवें असीं अपने घर के दुख दर्द कष्ट दलिद्र नूं पासी कर सकते हैं। कई वस्तां का जिक्र किया है, कई चीज़ां की सांझ पाते हैं, पर अज जिहड़ी चीज़ की सांझ पाउण जा रहे हाँ वह है गुरु घरां दे विच जिहड़े पवित्र सरोवर बने हुए, जिहड़े कि इतिहासिक सरोवर ने, उत्थों दा जल लिया के आपां अपनी रसोई दे विच रख सकते हैं। उत्थों दे जल दे विच 24 घंटे निरंतर कीर्तन जिहड़ा चलता है वह उस पानी दे विच समा गया हुंदा है। यह बहुत सारे लोगों का मनना है। वह इस तरह कि हर एक इंसान, इत्थों तक कि विज्ञान भी मानता है कि पानी अपने आसे पासे दे प्रभाव नूं सोख लैंदा है। पानी दी ये आदत है कि वह जो कुछ उहदे आसे पासे चल रहा होवे उसनूं सोख लैंदा है, चाहे वह सकारात्मकता होवे चाहे नकारात्मकता। ते गुरद्वारा साहब, इतिहासिक गुरद्वारा साहब दे सरोवर विच जिहड़ा पानी है वह जदों उत्थे लगातार निरंतर बाणी चल रही है वह बाणी दे असर नूं सोखेगा। तो वह जो पानी आप कर लिया के रखांगे, पवित्र जल आप अपने कर लिया के रखांगे, तो उसका समय समय से आप सेवन कर सकते हाँ, इस्तेमाल कर सकते हाँ वक् वक् चीज़ों के लिए। खास तौर पर आप जो नहाना है, इशनान करना है, उदों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका सानू बेहतर सिट्टा मिलेगा। अपनी सेहत है जिहड़ी उतले लई अरोगता आएगी, आपां नूं डॉक्टरां दे कोले नहीं जाना पवेगा, आपां नूं हर एक गल ते दवाई नहीं लेनी पवेगी। उत्थे ही कुछ विद्वानां दा इह वी मनना है कि साडा जिहड़ा पूर्ण तौर ते ख्याल है वह सिर्फ ते सिर्फ गुरु शब्द वल होवे। परमात्मा ने जो सानू शब्द दिता है, शब्द रूप दे विच बाणी दिती है, साडा ध्यान उहदे वल होवे। बाकी चीज़ां नूं कुछ विद्वानां वल्लों, कुछ प्रचारकां वल्लों वहम भरम कह के रद्द कर दिता जांदा है। मर्जी अपनी है कि आपां किस पासे दी गल सुननी है। जिहड़ी गल दी दलील सानू ज्यादा समझ आउंदी है, जिहड़ी गल दे विच सानू वजन लगता है, तर्क लगता है, असीं उह मन सकदे हां। असी चाहिए तो यह तरीका यह जुगत अपना सकते हैं, असी चाहिए तो सिर्फ तो सिर्फ असी शब्द गुरु के नाल भी जुड़ सकते हाँ, यह साड़ी मर्जी है। एक चीज़ या एक काम जिहड़ा आपां नहीं त्यागना वह यह है कि हर रोज़ सवेरे उठ के इशनान करके नितनेम आपां लाजमी करना है। वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप आपां जरूर करना है जदों भी समा मिले। रसोई घर दे विच खड़ के बीबियां पैणा वाहिगुरु वाहिगुरु जरूर क्या करन, जदों भी खाना बनाउणा है, जदों खाना तैयार करना है, हो सके तो मूल मंत्र का भी जाप कर लेना चाहिए जदों भी समा मिले। घर विच काम करदियां तुरे फिरदियां जदों भी वेल मिले मूल मंत्र का जाप, वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप जरूर कर लवो। उसका फायदा 100% होगा होगा, लाजमी होगा। जेकर तुसी बाकी गलों वहम भरम मानते हो ठीक है, पर अमृत वेले का इशनान, अमृत वेले किया होया नितनेम, जदों भी समा लगे उदों किया होया वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप जां मूल मंत्र एक कदे व्यर्थ नहीं जाता। सच्चे मन दे नाल इह सारा कुछ अपना के देखो, परमात्मा जरूर बांह फड़नगे।